कढ़ी बिल्कुल एकदम मजेदार कढ़ी बनी है ये। तो आइए अब इसे थोड़ा खाया जाए और आपको इसके टेस्ट को बताया जाए। बहुत ही उम्दा टेस्टी डिलीशियस है। सारे सब छोटे हैं इस कढ़ी के टेस्ट के आगे। दोस्तों मैं हूँ देविका, आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ फट में। तो आज दोस्तों राजस्थान की पारंपरिक शादी ब्याहों में बनने वाली कढ़ी की एक रेसिपी आप सभी के सामने शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक पारंपरिक स्टाइल में ये कढ़ी मैं आज शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। और जो भी व्यूअर्स आते हैं हमारे चैनल पे, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। तो आइए देखते हैं रेसिपीज मैं कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक और मजेदार रेसिपी देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। तो और रेसिपी पसंद आए तो अपनी प्यारी सी कमेंट और एक प्यारी सी लाइक जरूर दें। अगर कहीं त्रुटि हो तो जरूर हमें बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में अपनी त्रुटियों को ठीक कर या सुधार कर आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊं। या कोई रेसिपीज देखनी हो तो जरूर बताएं, तो वो भी रेसिपीज आप सभी के आगे वेज की नॉन वेज की शेयर करूंगी। साथ ही हमारे भारतवर्ष की मैं बिल्कुल लम्स फ्री कर चुकी हूँ। अब इसमें पूरे घोल को अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च का ऐसा पेस्ट मैंने बना लिया है, इसे मैं इसी घोल में ऐड कर दूंगी। और मिक्सी जार में जो मसाले लगे थे उसमें थोड़ा पानी ऐड करके घोल कर इसी में डाल दिया मैंने। साथ ही छाछ वाले पतीले में पानी डालकर थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे। तो जी हमारा घोल कढ़ी का तैयार हो चुका।
अब आइए इसे तड़का लगाते हैं। गैस जला लिया है, कढ़ाई रख ली है। आइए अब इसमें, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो डालते हैं तेल। ये कुछ तड़का लगाने के लिए मसाले हैं। जीरा है आधा चम्मच, आधा चम्मच साबुत धनिया है, आधा चम्मच काली वाली सरसों है, 1/4 टीस्पून सौंफ है और आधी चम्मच मेथी है। तो आइए सबसे पहले हम मेथी को डालते हैं। मेथी चटक गई है, अब सरसों सौंफ और जीरा को मैंने डाल दिया है। धनिया को हाथों से थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। यहीं पे 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल दें। कढ़ी को अच्छे से चलाते हुए लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। दो चुटकी हींग डाल दी। तो साहब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसे 40 से 45 मिनट तक मैं बिल्कुल धीमी आंच पे पकाऊंगी, जब तक इसमें मलाई जैसा ना जमने लगे। देखिए साहब इसमें बहुत अच्छी तरीके से उबाल आनी शुरू हो गई है और अब कढ़ी हमारी 10 मिनट लगभग हो चुके हैं। अभी मुझे 35 मिनट और पकाना है। तो साहब यहाँ पर मैंने पूरे पूरे 40 मिनट और पकाया है। तो देखिए बिल्कुल मलाई जम गई है, ये देखिए बिल्कुल मलाई जम गई है और कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। फुल कढ़ाई सी यहाँ तक आ गई है और बिल्कुल गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा था मैंने। अब आइए इसमें दूसरा तड़का लगाते हैं। तो जी साहब कढ़ी तो पक चुकी है, अब इसकी दूसरे तड़के की तैयारी करते हैं। आइए दूसरा तड़का लगाते हैं। चूल्हे पर पैन को रख दिया था, पैन हो चुका है गर्म। आइए अब तेल को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी। तेल को अच्छे से गरम करूंगी। इसकी जगह आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डाल देंगे 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 4-5 लौंग, 8-10 काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च और सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अगर लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, तो हरी मिर्च और अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कुटा हुआ अदरक, पर अदरक इतना ही डालें क्योंकि पहले मैं डाल चुकी हूँ अदरक ऑलरेडी पीसा हुआ। तो अदरक लहसुन को पहले अच्छे से फ्राई करते हैं। अदरक लहसुन अपना कलर छोड़ चुके हैं और इनका कच्चापन जो है वो भी चला गया है। यहीं पर एक बड़े प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप कर ली थी, उसको मैंने डाल दिया है। ये कढ़ी जो है शादी ब्याहों में पारंपरिक ढंग से पूड़ी और जीरा राइस या पुलाव के साथ सर्व किया जाता है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में समोसे मिर्ची बड़े के साथ आपको दुकानों में भी ये मिल जाएगी और इसे सर्व इसी कढ़ी के साथ किया जाता है। कलर के लिए मिर्ची थोड़ा यूज करेंगे। हमारा ये दूसरा तड़का तैयार हो चुका है। आइए इसे कढ़ी में डाल देते हैं। शादी ब्याहों में राजस्थान में बनने वाली कढ़ी तैयार हो चुकी है और बिल्कुल देखिए बिल्कुल मलाई की तरह से चम्मच में लग जा रही है। तो रेशियो वही रखना, अगर 100 ग्राम बेसन है
दो एक लीटर छाछ या दही का पानी होना चाहिए। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। कढ़ी बिल्कुल एकदम मज़ेदार कढ़ी बनी है ये। तो आइए अब इसे थोड़ा खाया जाए और आपको इसके टेस्ट को बताया जाए। तो आइए, राजस्थान में जो शादी ब्याहों में बस ऐसे ही परोसा जाता है, पर ये थोड़ा तो घरेलू है ही, लेकिन शादी ब्याहों में और भी आइटम होते हैं। और जी बहुत ही उम्दा टेस्टी डिलीशियस है, सारे सब भी छोटे हैं इस कढ़ी के टेस्ट के आगे होना चाहिए। तो फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगती है जरूर अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दें। और बिल्कुल देखिए एकदम पूरी के साथ, आप इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, केवल चावल के साथ भी। तो देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी लग जा रही है। और जी चावल के साथ भी हर तड़के का अपना जायका आ रहा है, चाहे पहले या सेकंड। और जो इसका क्रीमी टेक्सचर है एकदम मुंह को बिल्कुल क्रीमी बना दे रहा है, अंदर जवान को। तो दोस्तों मैं तो खा रही हूँ, आप भी जल्दी जल्दी ऐसा बनाकर खाइए, फीडबैक को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और यूं ही हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।